हाज़िन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेरो सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेरो सुखन पेश करता है उर्दू शेर व अदब के आसमान के वो चमकदार सितारे जिनकी चमक से उर्दू शेर व शायरी की दुनिया रोशन है। ऐसा ही एक चमकदार और रोशन सितारा जिसका नाम है डॉक्टर ज़ौकी। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर ज़ौकी की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को सुनेंगे मौसीकी की धुनों पर। डॉक्टर ज़ौकी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के मशहूर टांडा शहर में 24 दिसंबर 1910 में हुई। पहले ज़ौकी फैज़ाबादी और बाद में डॉक्टर ज़ौकी के नाम से मशहूर हुए। डॉक्टर ज़ौकी का ख़ानदान टांडा शहर के रईसों में शामिल था और आप 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। डॉक्टर ज़ौकी उर्दू अदब के अजीम फ़नकार हाली, शिबली और अल्लामा इकबाल से मुतासिर थे। ये वो ज़माना था जब तरक्की पसंद अदब उरूज पे था, लेकिन डॉक्टर ज़ौकी अल्लामा इकबाल के नक्शे कदम पे चल रहे थे और एक जद्दोजहद की तहजीब को फ़रोग दे रहे थे। यही तहजीब डॉक्टर ज़ौकी की शायरी में भरपूर नज़र आती है। इसी सिलसिले में कहते हैं, हिम्मत के लिए बंद कोई राह नहीं है, हिम्मत के लिए बंद कोई राह नहीं है, क्या गम है जो दुनिया मेरी हमराह नहीं है। आइए नाज़रीन, डॉक्टर ज़ौकी के बारे में एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। डॉक्टर ज़ौकी हमारे बाबा ठहरे। आपका पूरा नाम मोहम्मद अयूब था, आपके वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल कासिम था। आपकी विलादत 1910 में हुई। उसके बाद आप इल्म तालीम के लिए काफ़ी जद्दोजहद आपने की और आप पटियाला गए, वहाँ से तिब की आपने पढ़ाई कंप्लीट की और उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला। वहाँ से आने के बाद आपने 1942 से लेकर 1952 तक आप बॉम्बे में रहे और बॉम्बे में आपका शुमार उस ज़माने के मायानाज शायरों जैसे अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी की कतार में होता था। कितने वाक़यात दादा हम लोगों को बयान किया करते थे कि किस तरीके से हंसी मजाक और इस तरीके की दूसरी चीज़ें साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफरी और इन लोगों के साथ हुआ करती थी। बाबा हम लोगों के बहुत ही कमगो और कम सुखन वाक़े हुए। कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शोहरत को तरजीह नहीं दी और हमेशा कनात पसंद रहे। मुझे याद है कि टांडा लौटने के बाद जब आपने कस्बा छोटी बाज़ार में अपना एक मतलब शुरू किया तो पैदल अपने बच्चों के साथ वहाँ जाते थे। डॉक्टर ज़ौकी एक अबकरी शख्सियत के मालिक थे। आपकी तामीरी अदबी खिदमात का एतराफ़ मुशाहिरे अदब ने बड़े अदब एहतराम से किया है। अल्लामा इकबाल ने जिस कारवान अदब को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया था, आप उसी कारवां के एक सफ़ीर थे। डॉक्टर साहब की परवरिश पर्दाख्त मज़हबी माहौल में हुई जिसके असरात आपकी सारी ज़िंदगी पर मुहीत रहे। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के अंदाज़ निगारिश और तर्ज तहरीर से बहुत मुतासिर थे। बहुत सारे मशाहिर, मुस्तनद उलमा और फजला व अदबा और शोरा से आपके गहरे और मुखलिसाना ताल्लुकात थे जिसकी फहरिस्त बहुत तवील है। आपने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में नहायत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आपके अजायम की बुलंदी के सामने वसनगू होती रहीं। आपका एक शेर है कि जो हो अजमे बुलंद इंसान में फिर नाकामियाँ कैसी, झुकी देखी है कदमों पर जबीने कहकशां मैंने। डॉक्टर ज़ौकी की गज़लें यूं तो मकसदियत से भरी हुई हैं, लेकिन जब वो गज़लिया हुस्न पेश करते हैं तो यूं कहते हैं, आती है यूं भी फसलें बहारा कभी कभी, आती है यूं भी फसलें बहारा कभी कभी, होता है ज़ख्म शौक नमकदा कभी कभी, उनकी निगाह लुत्फ करम भी खुदा गवाह, उनकी निगाह लुत्फ करम भी खुदा गवाह, होती है इस तराब का सामा कभी कभी। नाज़रीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए इस गज़ल को सुरों से सजाया है, आइए महजूज होते हैं। फसलें बहारा
कभी कभी आती है, यूं भी फसलें बहारा कभी कभी होता है, जख्म शौक नमकदा कभी कभी होता है, जख्म शौक नमकदा कभी कभी आती है, यूं भी फसलें बहारा कभी कभी। दास्तां है दिल को यूं गमे दौरा कभी कभी, दास्तां है दिल को यूं गमे दौरा कभी कभी, जैसे सुकूते शामे गरेबा कभी फसले बहारा कभी कभी। निगाहें लुत्फो करम भी खुदा गवाह, उनकी निगाहें लुत्फो करम भी खुदा गवाह, होती है इस्तिराब का सामा कभी कभी, इस्तिराब का सामा कभी कभी आती है, यूं भी फसलें बहारा कभी कभी। से रोज मिलते हैं लेकिन जनाब शेख, अच्छों से रोज मिलते हैं लेकिन जनाब शेख, कर दीजिए बुरों पे भी एहसान कभी कभी, कर दीजिए बुरों पे भी एहसान कभी कभी, आती है यूं भी फसलें बहारा कभी कभी, होता है जख्म शौक नमकदा कभी कभी, शौक नमकदा कभी कभी आती है, यूं भी फसलें बहारा कभी कभी।
डॉक्टर ज़ौकी को जब हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर ज़ौकी गोशागीर और नहायत कनात पसंद थे। यही वजह है कि जितनी शौहरत डॉक्टर ज़ौकी को मिलनी चाहिए थी उतनी शौहरत उन्हें हासिल नहीं हुई, लेकिन दोस्तों के इजहार पे और दोस्तों की मोहब्बत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई अखबारों और मशहूर रिसालों में उनका कलाम शाया होता रहा। डॉक्टर ज़ौकी ने कभी वक्त गुजारी के लिए या तफन्नुने तबा के लिए शायरी नहीं की, बल्कि एक मकसद के तहत शायरी की, और यही मकसद उनकी शायरी में हमें पूरे असर के साथ नज़र आता है। जहाँ तक दादा की शायरी का ताल्लुक़ है, वो पेचीदा और दिक्कत ख्याल की वादी में कभी गुम नहीं होते। उन्होंने हमेशा सादी ज़बान में शायरी की जो कि आम फहम की हो और आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एक शेर मुझको याद आता है उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि पिन्हाइए ख्याल का आलम न पूछिए, गुंचे में देखता हूँ गुलिस्ता कभी कभी। इसी तरीके से कई बार उनकी शायरी में हमको मीर का भी अंदाज़ नज़र आता है। जैसे कि मैं एक शेर इस सिलसिले में पेश करना चाहूँगा, कलियों से कोई वक्त तबस्सुम ये कह न दे, ये जामए निशात तुम्हारा कफन भी है। जवानी के दिनों की बात करूँ अहद शबाब में, तो मैंने देखा है कि आपकी नज़में मजाज और जोश मलिहाबादी की टक्कर की नज़में आप कहा करते थे। उस बारे में मैं अगर एक नज़्म जो इनकलाब 1942 में शाये हुई थी उसके चंद अशार आपके सामने अगर पेश करूं, जिसमें आपने लिखा है कि कल्बे इस्तबदाद को होने लगा इख्तलाज, कशमकश में मुब्तला है ज़िंदगी साम्राज, मुश्तइल है आखिरी लौ समय इस्तबदाद की, मौत पे कुर्बा होने को चली है ज़िंदगी, परचम आज़ादी व इंसाफ लहराने को है, जल्द ही हिंदुस्तान में इनकलाब आने को है। इसके बाद उनकी नज़में जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और याद हैं, इसमें तजाद नज़्म जो उन्होंने 1967 में लिखी थी, और उसके बाद 1967 में ही अरब इसराइल जंग के ऊपर आपकी नज़्म जो आपने लिखी, उसके दो अशार मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। रुसवाई हयात की कुछ हद नहीं रही, अफसुर्दगी शौक़ का आलम है जूं का तूं, तंजीम व इत्तेहाद का एहसास तक नहीं, अजहान में है कौम वतन का वही जुनून। 20वीं सदी के की छठी और सातवीं दहाई में डॉक्टर बाबा के तगज़ुल का उरूज अपने बाँकपन पे था। 1959 की एक गज़ल के चंद अशार बतौर सबूत मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। उभर रहे हैं फसाने हकीकतें बनकर, हकीकतों को फसाने बना रहा हूँ मैं, कुछ और किस्से दारो रसन सुना वाइज, कि उस ख्याल से तस्कीन पा रहा हूँ मैं। धीरे धीरे मुझे एक गज़ल के चंद अशार जो आपने 1994 में लिखी थी उसके दो अशार मैं पेश करना चाहूँगा यहाँ पे। गुलशन हसरत व आरज़ू की जब कोई कली खिलने पे आई, बाद सरसर ने मारे तमाचे उस ख़ता पे कि क्यों मुस्कुराई, उनका अंजाम है सर बुलंदी जिनके दिल में नहीं खुद पसंदी, जिनको महबूब है खाकसारी उनको आती नहीं खुद सताई। डॉक्टर ज़ौकी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सरमाए सुखन आने वाली नस्लों के लिए छोड़ा है वो हमारी आला तहजीब अकदार की शमाए फरोज़ा रखेगा, और हमारी मौजूदा नस्लों के लिए न सिर्फ मशाल रहा होगा बल्कि आइंदा नए वलवलों नए हौसलों ज़्यादा पैमाई व कोहकनी की नई उमंगों से लोगों को शरशार करेगा। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ौकी इसी गज़ल के हुस्न को बढ़ाते हुए इस तरह कहते हैं, अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई कई दिन से, अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई कई दिन से, किसी की याद भी दिल में नहीं आई कई दिन से, खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को, खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को, कि तेरे गम की लज्जत भी नाराज़ आई कई दिन से। नाज़रीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सुरों से सजाई है ये गज़ल, आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई कई दिन से, अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई
से किसी की याद भी दिल में नहीं आई। कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई। कई दिन से मगमूम है शाने मसीहाई। कई दिन से बहुत मगमूम है शाने मसीहाई। कई दिन से बढ़ी जाती है जख्म दिल की गहराई। कई दिन से बढ़ी जाती है जख्म दिल की गहराई। कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई। कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई। कई दिन से मजा के गिर आए शबनम। कली ने भी उड़ाया है मजा के गिर आए शबनम। पढ़ी है खाक पर खुशक और मुरझाई। कई दिन से पढ़ी है खाक पर खुशक मुरझाई। कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई। कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई। कई दिन से जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को। खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को कि तेरे गम की लज़्ज़त भी ना रसाई। कई दिन से के तेरे गम की लज़्ज़त भी ना रसाई। कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई। कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई। कई दिन से तन्हाई। कई दिन से तन्हाई। कई दिन से। डॉक्टर ज़ौकी गज़ल के साथ साथ हमद नात और सलाम पे भी उबुर रखते थे। डॉक्टर ज़ौकी के दो मजमूए शाये हुए। पहले मजमूए का नाम नवाए फ़िक्र अंगेज़ है और दूसरा मजमूआ कुलियात ज़ौकी। कुलियात ज़ौकी के अंदर जवानी से लेकर वक्त आखिर यानी ज़माना आखिर तक का कलाम शामिल है और उनका तीसरा मजमूआ ज़ेरे इशाअत है। आपने इस्लाह का काम हमेशा जारी रखा और बड़े बड़े लोग आते थे और आपसे इस्लाह लेते थे, जिसमें मैं चंद नाम अगर याद करूं जो मुझे याद है, मैंने खुद देखा है कि आपके साथ
घर में बैठे हुए, उसमें मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब हो गए, सैयद अब्दुल बारी साहब हो गए, बेकल उत्साही साहब भी जब टांडा आते थे तो बगैर दादा से मिले वापस नहीं होते थे। बाबा कई बार जो है ज़िक्र में आपने कहा कि उनके अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब से, मौलाना अली मियां नदवी से भी ताल्लुकात थे और ख़त व किताबत के ज़रिए सियासी और मजहबी मामलात पे तफसील से गुफ्तगु होती रहती थी। इतनी कम आमेज़ी और इतनी खलूस और इतना खंदा ज़न होना मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी काबिलियत के आदमी को कभी नहीं पाया ना मैंने देखा है। ये अजीम शख्सियत इसी तरीके से हमेशा दूसरों के काम आती रही और ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा किसकी मदद किस तरीके से की जाए ना की जाए उसी में लगे रहे। मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा शख्स अगर होता जो कि जिस काबिलियत दादा की थी उस काबिलियत का अगर 10% भी वो होते तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे मकाम पर होते और दूसरी जगह पर होते, लेकिन दादा ने कभी उस चीज़ को तरजीह नहीं दी और हमेशा एक दूसरे के काम आने की बात हम लोगों को भी सिखाते रहे, अपने बाल बच्चों को भी सिखाते रहे। 1980 में जब दादा की तबीयत काफ़ी अलील हो गई और वो मतलब नहीं जा सकते थे तो उन्होंने मतलब जो छोटे कस्बे का था उसको बंद कर दिया और घर में ही देखभाल का काम शुरू किया, जहाँ भी मरीज़ आते रहते थे और इसलाह भी यहाँ पर करते रहते थे दादा। धीरे धीरे अलालत बहुत ज़्यादा हुई, बीमार पड़ गए, बिस्तर पे काफ़ी दिनों रहे, मुझे याद आता है कि कम से कम 2 से 3 साल, और 21 अक्टूबर 2004 को आप इस दुनिया फ़ानी से रुख्सत हो गए। डॉक्टर ज़ौकी का एक अंदाज़ निराला ये भी है, इस शेर को समाप्त फरमाए नाज़रीन, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नज़र में, जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नज़र में, मिलना तेरा दुश्वार है मालूम नहीं क्यों। आइए नाज़रीन इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं। जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नजर में, जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नजर में, मिलना तेरा दुश्वार है मालूम, दुश्वार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों। Thank you.
जिस दिन से गिराया है निगाहों ने तुम्हारी, जिस दिन से गिराया है निगाहों ने तुम्हारी, एक एक नफस पार है मालूम नहीं क्यों, एक एक नफस पार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से अपना जिसे समझा था वो धोखा था नजर का, अपना जिसे समझा था वो धोखा था नजर का, हर फूल यहाँ खार है मालूम बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों। नाज़रीन, आप देख रहे थे डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम शेरो सुखन। आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर ज़ौकी की हयात व ख़िदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर अगली बार एक नए सितारे के साथ हाज़िर होंगे। जब तक अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।